हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं, देखिए छोटी मंदिर पर जो छोटी शिखर होती है कलश टाइप की, किस तरह से बनाते हैं। देखिए मैंने पहले भी सेंटर में एक सरिया खड़ा कर लिया है, उस सरिया को फिर हम चारों तरफ देखिए ईंटें लगाएंगे। ईंटों लगाने के पहले हमने देखिए उसको घटाना शुरू किया था, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा दिया, फिर देखियो कहते घटा दिया। इस सब से हमारा देखिए कलश बनकर तैयार है। ये हम तीन कलश बनाने वाले, ये छोटे छोटे शिखर होते हैं तीन बनाने वाले हैं। देखिए लगभग हमारी इसकी चिनाई पूरी हो चुकी है, इस पर मसाला लग के इसको गोलाकार देंगे। देखिए किस तरह हमारा मसाला भी लग चुका है। देखिए अभी सादा सादा चिनाई हुई है हमारी, देखिए इसको एक थोड़ा बड़ा बनाने वाले भी सेंटर पर। देखिए इसको भी पहले ईंटा काट लिए थे थोड़े नीचे से, जिससे गोलाई बनाने में आसानी हो जाती है। ईंटे लटकते नहीं हैं काट देने से। देखिए हमारी तीनों की चिनाई हो चुकी है पूरी, इस पर हम मसाला लगाएंगे, प्लास्टर करेंगे और डिजाइन निकालेंगे इस पर। देखिए हमारा जो सरिया लगा था उस पर भी हमने मसाला लगा लिया है। इसकी नाप करके इसको देखिए पहले दो भागों में बांटेंगे, फिर और उसका आधा करेंगे तो हम चार भागों में बांटेंगे, फिर उसका और आधा करेंगे तो आठ भागों में बांटेंगे। देखिए आठ भागों में बांटने के बाद हमारी आठ कली निकालेंगे ऊपर की, हम नीचे की 16 निकालेंगे। नीचे किनार दिख रही होगी उसकी, हम 16 निकालेंगे, उसको भी इसी तरह से बांटते जाएंगे तो 16 कली हो जाएंगी हमारी, जिससे कोई भी गठबंध ना हो। आधा आधा करके बांटते जाइए, आपकी बिल्कुल एक सी कली निकलेगी, कोई गठबंध नहीं होगी। ऊपर हम कलश बनाएंगे इसका, पतला पतला देख रहे हैं सरी में मसाला लगाया है हमने, उसकी कटिंग कर देंगे तो हमारा देखिए कलश बन जाएगा। कलश बनाने के लिए जो हम गोल रिंग बनाते हैं उसको हम 1.5 इंच में बनाते हैं, 1.5 इंच का निशान लगा देते हैं, जैसे कि ऊपर से हमने 4.5 लिया। फिर हम अगला जो निशान लगाएंगे वो 6 पे लगाएंगे तो 1.5 इंच हमारा ये निकल आएगा। उसी तरह से देखिए नीचे का भी हमने 1.5 इंच का लगाया था, तुम्हारा कलश बन गया। उसको हम देखिए सीधे सीधा काट कर देंगे, फिर उसको मोड़ देंगे तो हमारी पत्ती बन जाएगी। देखिए हमने त्रिकोणी धार बनाई हुई है और जो उसको गोल है उसकी मोल्डिंग कर देंगे तो देखिए मंदिर बन चुका है। अब बाकी देखिए, और इसी तरह से इन दोनों जो शिखर हैं इस पर भी हम मसाला लगाएंगे, किनार बनाएंगे। तो देखिए नीचे का जो निशान है उसको प्रकार के सहारे से लगा लेंगे, जिससे कि हमारा मसाला एक सा लगे, मतलब एक सूट में एक नाप में लगे, गड़बड़ यहाँ ऊंचा नीचा ना लगे। इसी तरह से हमने ऊपर भी निशान लगाया था और मसाला लगाया। धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा करके देखिए हम नीचे की धार पर मसाला भी लगाते जाएंगे, इस तरह से ऊपर भी लगा रहे हैं हमारे स्त्री लोग। इससे हम वही नाप रखेंगे जो हमने पिछले शिखर में रखी थी, उसको भी उसी तरह से कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों आपको हमारी डिजाइन पसंद आती है तो लाइक करिए प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, फिर एडिटिंग करने में, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए। लाइक करने में क्या जाता है आपका,
हमारा हौसला बढ़ता है, थोड़ा वीडियो बना लेगा तो लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी को जरूरत हो तो उसको हमारे चैनल के बारे में बताइए, शेयर कीजिए। मंदिर बनवाना हो, शिखर बनवाना हो, या सिंहासन बनवाना हो तो आप उसको हमारे बारे में जानकारी दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, उसी तरह से हम इसका भी नाप रखेंगे। पहले इसको हम दो भागों में बांटेंगे आधा, फिर उसको हम चार भागों में बांटेंगे, फिर आठ भागों में बांटेंगे। उसी तरह से इस पर निशान लगाएंगे, कटिंग करेंगे तो हमारी डिजाइन बन जाएगी। देखिए आप देख सकते हैं, हम पहले आधा आधा बांट देते हैं, फिर उसमें से आधा करके आधा बांट देते हैं तो हमारे निशान लग जाता है। एक सौ देखिए, हमने कलश की कटिंग शुरू कर दी है। रिंग बनाते हैं उसकी कटिंग के लिए हमेशा तिरछा काटते हैं। देखिए रिंग वाला हिस्सा हमेशा तिरछा काटेंगे और पीस सेंटर में निकालेंगे। ऊपर नीचे का जो हिस्सा है उसको हम सीधा रखेंगे और बीच वाले की जो है तिरछा काटते जाएंगे तो हमारा ये रिंग बनकर तैयार हो जाएगा कलश वाला। देखिए जिससे हम कटिंग कर रहे हैं यह औजार, ये जो पत्ती होती है इसको कोई भी पतली सी चादर ले सकते हैं, उसकी कटिंग करके तिरछा काट लीजिए, नोकदार काट लीजिए तिरछा, उससे आप कटिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे कलश की डिजाइन बनकर तैयार है। देखिए उसकी हमने मोल्डिंग कर दी है कलश की, पहले कटिंग करेंगे फिर मोड़ देंगे, मोल्डिंग कर देंगे तो हमारी कलश बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए सीधी सीधी कटिंग करेंगे, पहले आप देख सकते हैं हम सीधी सीधी सी कटिंग कट मार लेंगे, फिर उसको हम यहाँ से निशान लगाया था, उसकी सीधी कटिंग होने के बाद हम सीधा सीधा फिर इसको हम मोड़ेंगे अभी सेंटर के हिसाब से, जिससे हमारी पत्ती बनकर तैयार हो जाएगी।
एक एक कट करने के बाद हमने इसको मोड़ दिया है। देखिए पत्ते सभी, हमारी पत्ती देखिए बनकर तैयार है। इसी तरह हम सारी पत्तियों को भी मोड़ देंगे। देखिए इसकी हमने ऊपर की डिजाइन हमारी बन चुकी है। जो नीचे है उसकी भी हम देखिए डिजाइन बनाएंगे। नीचे बड़ी बड़ी कली निकालेंगे। देखिए आप देख सकते हैं 4 इंच मोटा मसाला लगाया है नीचे। हम इसको भी हम सेम उसी तरह से पहले 2 भागों में बांटेंगे, फिर 4 भागों में बांटेंगे, फिर 8 भागों में बांटेंगे। देखिए हमने 4 भाग बांट दिया, अब हम 8 भाग में बांटेंगे। देखिए फिर हम इसे 16 भाग बांट देंगे। कटिंग इसकी हम 8 भागों में करेंगे। 16 भागों में इसलिए बांट दिया कि हमारा जो बीच सेंटर होता है वो निकल आएगा पत्ती का, जिससे हमें कटिंग करने के बाद मोड़ने में दिक्कत ना होगी। आसानी से हम इसको मोड़ देंगे तो हमारी पत्ती बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए जब ये बन जाएगी तो बहुत सुंदर लगेगी। इसको भी हम सीधा सीधा काटेंगे। देखिए पहले सीधी सीधी कटिंग कर लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि हमने कटिंग की थी सीधी सीधी, अब तो देखिए हम मोड़ रहे हैं कन्नी के सहारे से। तो देखिए हमारी ये पत्ती बनकर तैयार है। इसको देखिए हम कन्नी के सहारे से कटिंग कर देंगे जो कोने बने होते हैं, तो हमारी गोल पत्ती बनकर तैयार हो जाएगी। इसको भी तिरछा काटेंगे नीचे से, जिससे पत्ती हमारी ऊपर को उठी हुई लगे। इसी तरह से देखिए हम बारी पत्ती जो बाकी पत्ती है उसको भी हम मोल्डिंग कर देंगे, मोड़ देंगे कोने। देखिए आप देख सकते हैं इसी तरह से मोड़ देंगे तो हमारी सारी पत्ती जो है वो भी बनकर तैयार हो जाएगी। एक ही नाप की देखने में अच्छी लगेंगी। और इससे आगे के जो दरवाज़ा बनाने का वक्त आगे वो अगले बार में लगाएंगे। देखिए हम नीचे इसकी जो शटरिंग है वो खोलेंगे और जो मेरा पर डिजाइन बनानी है, पिलर पर डिजाइन बनानी है वो अगले भाग में दिखाएंगे। तो हमारी अगले भाग का इंतजार कीजिए। ये डिजाइन हमारी लगभग बनकर तैयार है। ऊपर ऊपर की डिजाइन हो चुकी है।
छत डाला था हमने, छत के उस ऊपर की डिजाइन हो चुकी है। अब अगला भाग में देख सकते हैं, देखिए इस तरह से हमारी डिजाइन बनकर तैयार है।